स्वागत है आपका इंडियन एंटीवायरस के आज के नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, घरों के दाम हमेशा से घर खरीदारों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क रहे हैं। घरों की बढ़ती डिमांड के बाद भी घरों की सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घर की कॉस्ट अब पहले से ज़्यादा होती जा रही है और ऐसे में हाउसिंग फॉर ऑल कैसे पूरा होगा और सस्ते घर कैसे बनाए जा सकते हैं? अगर थोड़ा सा जोड़ घटाओ गुणा और भाग किया जाए तो सस्ते घरों का गणित बन सकता है। ये समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आज के इस एपिसोड में लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। सस्ते घर बनाने के लिए सरकार और अथॉरिटी को करने होंगे कम से कम 7 उपाय। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि फ्लैट के बनने से बिकने तक में क्या क्या फैक्टर कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। इनमें से 3 फैक्टर टॉप पर हैं, जिनमें सबसे पहले है जमीन की कॉस्ट। अथॉरिटी और सरकार द्वारा बेची गई जमीन बिल्डर पर सबसे पहले कॉस्ट होती है। अगर सरकार और उसकी संस्था जमीन विकसित करके बेचती है तो वो एक्विजिशन कॉस्ट यानी अधिग्रहण दर से 10 से 20 और कई बार 30 गुना ज़्यादा वसूलती है। अगर बिल्डर खुद किसान से ज़मीन खरीदे तो उसे प्रोजेक्ट लायक बनाने में अथॉरिटी डेवलपमेंट चार्ज, IDC इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज और EDC यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज कॉस्ट के फॉर्म में लेती है। इसके अलावा सरकार स्टैम्प ड्यूटी 5 से 5.5% तक और रजिस्ट्रेशन चार्ज दोनों वसूलती है जो फाइनल बिल्डर के कॉस्ट पर आती है। ऐसे में सस्ती ज़मीन का न मिलना प्रॉपर्टी कॉस्ट को सबसे पहले प्रभावित करता है। पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का सबसे बड़ा पार्ट ज़मीन की खरीद में ही चला जाता है। अब आता है दूसरा फैक्टर जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। किसी भी फ्लैट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगला हिस्सा होता है फाइनल कॉस्ट का। हाउसिंग सेक्टर के लिए ऐसी कोई भी सब्सिडी आज तक नहीं बनी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर दे। यहाँ तक कि स्टील और सीमेंट जैसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल भी मुनाफाखोरी के शिकार हैं। प्राइस कैपिंग न होने से डिमांड बढ़ते ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की लागत बढ़ती है और फाइनल असर बायर की जेब पर पड़ता है। फ्लैट के कॉस्ट में लेबर कॉस्ट भी हर साल 7 से 10% की बढ़ोतरी करता है। बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ लेबर को ज़्यादा खर्च देना पड़ता है और सरकार हर साल न्यूनतम मजदूरी दर में भी 2 बार इजाफा करती है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में फर्क डालती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के खत्म होने से भी प्रॉपर्टी महंगी हुई है। पहले ITC के होने से बिल्डर को रॉ मटेरियल पर चुकाई जाने वाली GST की भरपाई हो जाती थी जिससे प्रॉपर्टी लगभग टैक्स फ्री रहती थी और बिल्डर 12 से 28% की कॉस्ट बचा लेते थे और प्राइस कम रख पाते थे। लेकिन अब GST पर ITC हटा लेने के बाद से प्रॉपर्टी की कॉस्ट में 12 से 28% तक का टैक्स भी जुड़ रहा है। जी हाँ, घर खरीदारों पर भी 1 से 5% तक की GST अलग से लग रही है। खरीदार को 7% तक की स्टैम्प ड्यूटी अलग से देनी पड़ रही है और अब रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 1% देना पड़ रहा है। अगर आप इन सभी टैक्सों को जोड़ें तो लगभग प्रोजेक्ट पर 40% तो टैक्स का कॉस्ट आ जाता है। यहाँ से आगे अथॉरिटी के कई ऐसे चार्ज हैं जो प्रोजेक्ट कॉस्ट को डायरेक्टली बढ़ाते हैं। इनमें है 1% लीज रेंट पर ईयर, दूसरा है मैप अप्रूवल चार्ज जो 2010 में 2.25% था वो आज 2016 तक आते आते 35% हो गया है बिल्टअप एरिया का। इसके अलावा अथॉरिटी आपसे कंप्लीशन चार्ज भी लेती है। चौथे नंबर पर पोजीशन के समय 11 से 15% तक का 1 टाइम लीज रेंट लगता है। समय से प्रोजेक्ट पूरा न होने पर भी पेनल्टी बहुत हैवी लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक बिल्डर को 3 साल में 30% और 7 साल में 100% प्रोजेक्ट बना के देना होता है और ऐसा न होने पर अथॉरिटी द्वारा 4वें, 5वें, 7वें और 8वें सॉल पर क्रमशः 4%, 6%, 8% और 12% का चार्ज लगता है और ये चार्ज बहुत हैवी है। समय से प्लाट की पेमेंट ना करने पर 3 से 12% का पेनल इंटरेस्ट अलग से लगाया जाता है। इसके अलावा लास्ट आता है लेबर सेस जो बिल्डर को ही पे करना होता है। अगर ये सभी खर्चे प्रोजेक्ट के फाइनल कॉस्ट में जुड़ जाते हैं तो इसका सीधा असर प्रोजेक्ट कॉस्ट पर पड़ता है और यूनिट महंगी हो जाती है। अब आखिरी फैक्टर है फाइनेंस कॉस्ट का। फाइनेंस कॉस्ट होम बायर पर आता है जो बुकिंग अमाउंट यानी कि 10 से 20% देने के बाद 80 से 90% का पार्ट होता है और ये पार्ट बैंकों से होम लोन लेकर चुकाया जाता है। आज भी देश में होम लोन 7 से 8% और उससे ज़्यादा ही दर पर दिया जाता है। RBI के रेपो रेट वाले लोन लाने के बाद भी लोन ना तो होम बायर के लिए सस्ता हुआ है और ना ही हाउसिंग सेक्टर में कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर बिल्डर की बात करें तो बिल्डर को घर बनाने के लिए लोन सस्ता नहीं मिल रहा तो बन के तैयार होने वाला घर कैसे सस्ता बिकेगा? NBFC और अन्य संस्थाओं से आज भी लोन 12 से 14% में मिलता है जो किसी भी सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा है।
सरकार द्वारा लाए गए AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर स्वामी भी पहले 15% के दर से दिया जा रहा था, जो आज भी घटकर सिर्फ 12% पर आ पाया है। इतने महंगे लोन से बिल्डर पर ब्याज की मार पड़ती है। जिस प्रोजेक्ट की लागत ही ज़्यादा हो उससे तैयार माल को कोई कम पर कैसे बेच सकता है और किसके लिए आसान होगा सस्ता बेच पाना पूरी लागत लगा देने के बाद। इंडस्ट्री स्टेटस न होने के कारण भी लोन आज भी रियल एस्टेट के लिए महंगे हैं, जो फाइनल यूनिट कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। ऐसे में अगर सरकार चाहती है कि सस्ते फ्लैट्स बने और हाउसिंग फॉर ऑल पूरा हो तो उसे कम से कम ये 7 उपाय तो करने ही होंगे। टैक्स, जी हाँ, टैक्स की देनदारी को कम से कम करना होगा जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आए। मल्टीपल टैक्स लगाने से यूनिट कॉस्ट में बहुत इजाफा हो जाता है और इसका फर्क घर खरीदार की जेब पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए एक यूनिफॉर्म टैक्स मॉडल रखा जाए जो पूरे देश में फॉलो हो। हाउसिंग सेक्टर के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट बिल्डर को एक्विजिशन रेट से कुछ मार्जिन रखकर करना होगा और किसानों के लिए और बेहतर मौके देने होंगे जिससे हर्जाने का बोझ कम हो सके और बिल्डर पर ज़मीन की कॉस्ट कम पड़े। अथॉरिटी को कई तरह के चार्ज कम करने होंगे जो उनके लिए भले कमाई के साधन हो लेकिन आम आदमी के लिए घर की कीमत के फॉर्म में देने पड़ते हैं। साफ बात है कि दूसरे विकल्प देखने होंगे अथॉरिटी को सोर्स ऑफ इनकम के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम से कम इतना रखना होगा जिससे पेनल्टी का बोझ इतना ना हो कि प्रोजेक्ट बनाने के बजाय बिल्डर उसे अधूरा छोड़कर ही भाग जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से इंटरेस्ट रेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इसका एक वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। बैंकों को भी सस्ते लोन के लिए कंस्ट्रक्शन और होम बायर दोनों को टारगेट करना होगा। गारंटी होम के कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए बैंकों को सस्ते लोन का प्रावधान लाना होगा जिससे बिल्डर और बायर दोनों को सुविधाएं मिले और घर मिलना तय हो। पूरे देश में यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लागू करनी चाहिए सरकार को जिससे लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को समझ सकें और सस्ते व महंगे घर में फर्क कर सकें जिससे घर खरीदार को बेहतर क्वालिटी वाले घर भी मिल सकें और उन्हें ये समझ में आए कि वो किस चीज़ की कॉस्ट दे रहे हैं। जी हाँ, अगर ये 7 उपाय किए जाएं तो शायद देश में सस्ते घर बनाए जा सकते हैं और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।